नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। भीड़ प्रशासन की पूर्व नियोजित तैयारी से संभव हुआ सफल निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव संपन्न। मध्य प्रदेश में आखिरकार वह दिन आ गया जिसका पूरी प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में निष्पक्ष और स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराना भिंड प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के पहले चरण में चुनाव आयोग द्वारा भिंड जिले में लाहार जनपद और रौन जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया गया। जैसे ही भिंड प्रशासन द्वारा लाहार जनपद और रौन जनपद में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए कार्य योजना तैयार की गई तो पाया गया कि लाहार जनपद के आलमपुर थाना क्षेत्र और दबो थाना क्षेत्र, रावतपुरा थाना क्षेत्र, असवार थाना क्षेत्र, लाहार थाना क्षेत्र तथा रौन जनपद में रौन थाना, मिहौना थाना, मच्छर चौकी और इंद्रुखी चौकी के अंतर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतों का पूर्व का इतिहास प्रशासन को हैरान करने वाला था। उसका कारण था कि यहाँ सब थाने क्षेत्र की सीमाएँ भौगोलिक दृष्टि से तथा मानचित्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के असामाजिक तत्व अधिक सक्रिय रूप से लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने में सफल होते थे। मगर इस बार भिंड प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से यह संकल्प लिया गया कि इस बार भिंड जिले के लाहार और रौन जनपद में संपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में ही प्रशासन कोई कोर कसर न छोड़ते हुए संपन्न कराएगा। इसी के चलते भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस और भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने लाहार जनपद, रौन जनपद में स्वयं मोर्चा संभाला और त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन को निष्पक्ष, भय रहित एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं बेहतर सर्विलेंस हेतु विशेष हाईटेक ड्रोन, पर्याप्त पुलिस बल के साथ हाई रेजुलेशन फोटो और वीडियो, CCTV कैमरे तथा जागरूक समाज सेवी की मदद से जनता को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र मतदान प्रत्येक नागरिक का सार्वभौमिक अधिकार है और यह हम सब मिलकर इस चुनौती के रूप में अपनाएंगे और सफलतापूर्वक लाहार जनपद और रौन जनपद पर लगे विवादित चुनावी कलंक का दाग धोने का कार्य करेंगे। इस तरह भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस और भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान प्रभावी कार्ययोजना धरातल पर आई और भिंड जिले के लाहार जनपद और रौन जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत से हर जगह शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण चुनाव की तस्वीर जनता व प्रशासन के सहयोग से निकालकर आने लगी। मतदान केंद्र पर सुबह से ही भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें मन को सुकून देने लगी। यह देखकर लाहार जनपद और रौन जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं द्वारा भिंड प्रशासन की तारीफ के सुर फूटने लगे कि इस बार भिंड प्रशासन ने वह कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। हालांकि लाहार जनपद के आलमपुर थाना क्षेत्र के रूरई तथा रौन जनपद के थाना मियोना के अरसरेटी से छुटपुट तथा हिंसक वारदातें घटित हुईं और जिसमें पुलिस टीम को चोटें आईं। इसके अलावा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान रहा और हम सबके गर्व से लोकतंत्र के महापर्व में निष्पक्ष और स्वतंत्र तथा भयमुक्त वातावरण में अपने अपने जनप्रति चुनने के लिए लोग तैयार नजर आए। भिंड से खबर हरपल के लिए पीयूष भरथरिया की खास खबर। करने वाले लोगों से यही निवेदन है, अपील है कि सब लोग जो है भयमुक्त होकर इस चुनाव में आएं और अपना मतदान करें, अपना वोट डालें। और यहाँ पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में भी तैनात है, साथ में ड्रोन के माध्यम से और अन्य संसाधनों से भी ऐसे लोगों पर निगाह रखी जा रही है। कोई भी अगर किसी तरह की भी गड़बड़ी करने का सोचता है या प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो लोग शांतिपूर्वक मतदान करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और वो बिल्कुल आके मतदान। आज लाहार और रौन क्षेत्र में पंचायत इलेक्शन का जो पूरा तैयारी, पूरा ऑफिसर से लेकर, पोलिंग ऑफिसर से लेकर सब तैयारी है, सिक्योरिटी पुलिस पूरा तैयारी है। लोगों से ये अपील है शांतिपूर्वक रूप में अपना जो मतदान करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। सभी जगह में पुलिस का तैनाती है, वीडियोग्राफी है, CCTV कैमरा है, ड्रोन के निगरानी है, इसलिए कोई बदमाशी या कोई ऐसे कृत्य करें जो शांति व्यवस्था भंग हो सकता तो तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी लोग पहली बार देखा है ऐसा कि व्यवस्था है कि अभी कहीं कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। वहाँ पर हर पोलिंग चेक की हमने ज़्यादातर जाके, बहुत शांति चल रही, बहुत अच्छी व्यवस्था। किस पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? जिला पंचायत सदस्य अनुरूप सिंह कुशवाहा, वार्ड नंबर 11।
जिला भिंड प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। यहाँ सारी व्यवस्थाएँ अत्यधिक सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रही हैं। यहाँ मतदाता प्रत्याशी भी अत्यंत प्रसन्न है। यहाँ कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पूर्व में इस पंचायत में कई बार हिंसक घटनाएं घटित हुई हैं, क्या इस बार ऐसी कोई संभावना व्यक्त की जा रही है? नहीं नहीं, इस प्रकार तो दूर ऐसा लगता है कि बूथ पर बरंदा भी पर नहीं मार सकता है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और संतुष्ट हूँ प्रशासन के। मैं एक दलित समाज से हूँ, सदैया में शांतिपूर्ण मतदान रहा है, पहली बार मैंने वोट डाला है और भिन्न प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। क्या नाम रखते हो आप अपना? धर्मेंद्र कुमार मैंने।